सरकार द्वारा दी गई राहत का असर दो दिन तक शेयर बाजार पर दिखा, लेकिन आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार एक बार फिर लाल निशान में पहुंच गया। निवेशकों में मंदी का डर बना हुआ है, इसका दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी असर दिख रहा है। और इसी के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 189 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59 अंक फिसल गया। दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का संकट मंडरा रहा है। जीडीपी की विकास दर तेजी से नीचे आ रही है। भारत की विकास दर का अनुमान भी कई रेटिंग एजेंसियां घटा चुकी हैं। इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15 अंकों की तेजी के साथ 37,656 अंक पर खुला और कुछ देर बाद ही 37,688 अंक पर पहुंच गया, जो आज सेंसेक्स का उच्च स्तर भी था। लेकिन सेंसेक्स ने जल्दी ही तेजी खो दी और ये लाल निशान में पहुंच गया। कारोबार की समाप्ति से पहले 37,249 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुँचने के बाद सेंसेक्स कल के मुकाबले 189 अंक की गिरावट के साथ 37,452 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियां लाल निशान में और शेष 7 हरे निशान में रही। सेंसेक्स जहां हरे निशान पर खुला तो वहीं निफ्टी की शुरुआत लाल निशान से हुई। निफ्टी 4 अंक की गिरावट में 11,101 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान ये 11,130 अंक के उच्च और 10,988 अंक के निचले स्तर को छूने के बाद कल के मुकाबले 59 अंक की गिरावट के साथ 11,046 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 37 कंपनियों के शेयरों में गिरावट और शेष 13 में मजबूती रही। एशियाई बाजारों में जापान के निक्की में 0.11% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.86% की तेजी रही, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.19% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.29% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 0.54% मजबूत हुआ, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.44% की गिरावट में रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।